अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर तानिया। वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ वीकेंड बस टुडे। आज हमारे साथ टेलीविजन प्रोग्राम में मौजूद है शम्स एंड एरिक। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के दौर में फैशन इंडस्ट्री दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आना शुरू हो गई हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखें, हम अपने सीजन को चेंज करते हुए अपने बालों का हेयर स्टाइल किस तरह रखें, हम अपने स्कैल्प को किस तरीके से मैनेज करें और हेयर फॉल जो आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है उसको कैसे प्रिवेंट करें। इसी शो में हम बात करेंगे शम्स और एरिक के साथ। शम्स के और एरिक के साथ हम जानेंगे कि किस तरीके से वो इन फंगल इन्फेक्शन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, और एरिक के साथ जानेंगे कि आजकल जो फैशन इंडस्ट्री में मेकअप ग्रो कर रहा है और आया हमारे पास बाहर मुल्क से बहुत सारे साहब के प्रोडक्ट्स और मेकअप्स आ रहे हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम शम्स। अस्सलाम वालेकुम एरिक। थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने आज अपना कीमती वक्त दिया। और जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने के साथ साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास स्टाइलिंग में भी चेंज आना शुरू हो जाती है। जहाँ मेकअप चेंज होता है वहाँ हमारे लॉन के कपड़े बहुत ज़्यादा आना शुरू होते हैं। तो शब्द से एक बात बताएं कि ब्यूटी सेगमेंट के अंदर आए हुए आपको कितने साल हो गए? मुझे अपनी फील्ड के अंदर तकरीबन 11 से 12 साल हो। 11 से 12 साल हो, तो कैसा लगता है कि आपने क्या सोचकर जो है वो इस सेगमेंट को ज्वाइन किया? इससे पहले असल में मेरी जॉब डिफरेंट थी। यहाँ आने का मुझे इत्तेफाक ये हुआ कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व था। अच्छा। तो मैं आया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट भी है, उसमें आपके नेल को खूबसूरत किया जाता है, पैरों को खूबसूरत किया जाता है, मसाज है, एवरीथिंग, तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बताया, एक जमाना होता था ना जहाँ बोलते थे ख्वातीन के लिए ये प्रोफेशन बहुत अच्छा होता है, तो मर्द हजरात अब इस प्रोफेशन में आने लगे और मेरे ख्याल से कि भरपूर तरीके से मर्द जो है उस ब्यूटी सेगमेंट को इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप लोग जब आए तो आपके घर वालों ने आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया? नहीं, घर वालों को ऐसा नहीं था कि फीमेल या मेल का, क्योंकि पेडिक्योर हमारे यहाँ कॉमन जो लोग हैं हमारे पास इतना जानते नहीं थे उस टाइम, 10 साल 12 साल पहले पेडिक्योर है क्या। एग्जैक्टली। बाहर मुल्कों में आपने देखा होगा हर जगह पेडिक्योर मैनीक्योर चल रहा होता है, और यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा बताना पड़ता है पेडिक्योर के बारे में और एडवांसमेंट एज वेल। एक्चुअली एक दफा नहीं होता जहाँ से पाओ जाओ साफ करो और चले जाओ, दिस इज योर पेडिक्योर। तो एक एडवांसमेंट भी आ जाती है उसके अंदर कि आप प्रॉपर तरीके से क्यूटिकल्स को रिमूव कर रहे हैं, स्किन को किस तरीके से साफ कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताया कि जहाँ आपने बोला कि 10 साल 12 साल हो गए, तो मर्द हजरात से औरतें जो है वो करवाते हुए थोड़ा सा शर्माती हैं जहाँ मोस्टली औरतों से करवाने का होता है, तो आपके पास रिस्पॉन्स कैसा है? तो हर चीज़ दोनों जेंडर्स आपके पास आ रहे हैं? दोनों जेंडर आ रहे हैं, और अब जो औरतों का ज़्यादा हमारी तरफ हो रहा है फ्लो, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि अगर मतलब कि औरतों से ज़्यादा मर्द अच्छा कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी जो है तो समझ के अच्छे तरीके। तो आपने इसके बारे में कुछ पढ़ाई की जिसको आपने लेकर आए यहाँ पर? ये मैं हमारे एक होते थे अनवर, उनसे मैंने स्टार्ट काम सीखा था, जो सर्जिकल ब्लेड से हम पेडिक्योर करते हैं। एग्जैक्टली। नॉर्मली सैलून में आपको सर्जिकल ब्लेड या इलेक्ट्रिक फाइल मशीन ये चीज़ें नहीं मिलेगी, ये हमारे पास ही मिलेगी। तो उसमें हम जो शुगर के पेशेंट हैं इनको भी हैंडल करते हैं, फंगस है, इनग्रोन नेल है, वॉट है, इस टाइप की सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। तो मुझे बताया कि फंगल इन्फेक्शन के कितने लोग आपके पास नॉर्मली आते हैं? फंगल अभी तक जो मेरे पास आया मेरे पास हिसाब नहीं होगा। Right. तो किस कैटेगरी में आ रहे होते हैं कि बिल्कुल ही डिजास्टर हुआ है? क्योंकि नॉर्मली तो फंगल इन्फेक्शन को लेके लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जहाँ से वो क्रीम और दवाइयाँ लेते हैं, तो उसके बाद का जो प्रोटोकॉल है जिसमें नेल की क्लिनजिंग है और ये सब चीज़ें, तो उसमें आप कितनी सपोर्ट करते हैं? उसमें ये है कि हम उनको जैसे उनको अगर टाइम देना है हर 4 दिन 5 दिन बाद, क्योंकि फंगल ये होता है कि आपका स्किन से नेल उठ जाते हैं, राइट, उसके नीचे एक लेयर आ जाती है जो बिल्कुल फंगल की मोटी सी तय होती है, उसको क्लीनिंग करना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं जाएगा आपकी स्किन के साथ नेल दोबारा ग्रो आउट नहीं होगा, तो उसको क्लीनिंग करके आजकल फंगल एंटी नेल फंगल के वो ड्रॉप्स आ गए हैं, काफ़ी चीज़ें आ गई है तो जो मार्केट में अवेलेबल मिलती है। ओरली और टॉपिकली दोनों साथ ही साथ चलाने पड़ते हैं। तो मुझे एक और बात बताएं कि जब ये इन्फेक्शन के प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो क्या मतलब किन वजूहात की वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही है? फंगल, एक तो हम जैसे अपने साइज से छोटा शूज़ पहन लेते हैं, ओके, या कोई चीज़ पे ठोकर लग गई तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ओके यार ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर एक ब्लड की लेयर या नेल अपनी जगह से उठ जाता है तो उसको आगे चलते चलते वो जरासीम जो बढ़ते जाते हैं उसके अंदर, देन एक नेल फिर दूसरा नेल तीसरा नेल, इस तरह फंगल पूरी फिंगर में आपके फैलता रहता है। तो नॉर्मली कितने टाइम फ्रेम में ये ख़त्म हो जाता है? लोग अक्सर शिकायत करते हैं अब इस तो साल हो गए हैं, 6 महीने हो गए, हमारा जा नहीं रहा है। जो कहते हैं साल हो गए हैं तो उनका फंगल बहुत पुराना होगा, वो अभी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, राइट। जैसे फंगल का भी इन्फेक्शन लग गया है और आप करवाएं, विद इन 2 मंथ आपका फंगल चला जाएगा, बिल्कुल चला जाता है। देखिए कितनी ज़रूरी और अहम चीज़ है ये कि लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि हम उसको दूसरे तरीके, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकली एंड
पेडिक्योर सेगमेंट पे आकर इसको ट्रीट करें, तो जहाँ आपने ब्लेड्स और इन सब चीज़ों की बात की तो लोग थोड़ा सा कतराते होंगे, तो आप हर चीज़ स्टरलाइज होती है, नया सवाल होता है? जी हाँ, ये हमारे यहाँ काफ़ी ऐसा है कि बहुत सी जगहों पे स्टरलाइज का सिस्टम बहुत कम है, बिल्कुल वो हम जो है स्टार्ट जो हमारी सुबह होती है जब काम स्टार्ट करते हैं तो खोलता हुआ पानी गर्म, उसके अंदर डेटोल, आधा घंटा हम स्टील का सामान जो है स्टार्ट में, वो हर पेडिक्योर के बाद ये चीज़ चल रही होती है। अच्छा। लेकिन डेटोल गर्म खोलते हुए पानी के अंदर डाल के देन हम मशीन जो स्टरलाइजर मशीन है उसके अंदर वो करते हैं, हमारी ऑटोक्लेव करके। मेरी खुद की एक टाइम में 3 किटें होती हैं, एक मैं यूज़ कर लेता हूँ, दूसरे क्लाइंट पे जब मैं बैठ रहा हूँ तो एक मेरी स्टरलाइज पे चली गई होती है। okay. तो इस तरह एक एक करके हम, और बाकी हमारे पास स्टील का जो सर्जिकल सामान है उसके अलावा हमारे पास डिस्पोजिबल चीज़ें होती है, बफर है, नेल फाइल है, फुट फाइल का जो होता है वो सारी डिस्पोज हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली लोगों की ये भी शिकायत होती है ना कि हमें स्पा में गए थे वहाँ से हमें ये इन्फेक्शन लग गया, इस तरह से हमारे प्रॉब्लम हो गई, चाहे भले पहले से आया हुआ हो मगर इल्ज़ाम जो आता है वो यही हो जाता है कि हमें वहाँ से। मगर दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि आपने डिस्पोजेबल सामान और ये सब चीज़ें रखी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ना वो ये प्रॉब्लम्स का सामना होता है। तो चलिए एरिक से अब हम ज़रा बात करते हैं, मुझे बात बताएं शब्स के क्या कहाँ से ये आइडिया आया कि 3-4 दिन पहले तो एरिक के बालों का रंग कुछ और था और आज एरिक के बालों का रंग कुछ और हो गया है, तो एरिक व्हाट मेड यू डिसाइड फ्रॉम गोल्डन टू पर्पल? एक्चुअली इस पे चढ़ा तो एकदम जल्दी से होगा। एक्चुअली आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन, मुझे क्रिएटिव चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आपको क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, इसलिए आपने सोचा कि मैं इसको पर्पल करूं? बिल्कुल, लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था। रियली? फिर मैंने ब्लॉन्ड पे चले गए, वो तो मुझे याद में देखा था। कल ही अभी मैं जावेद से बात कर रहा था कि मुझे चेंज चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट करो। मगर इस लुकिंग वेरी नाइस, तो मुझे बताया इसको लड़कियां भी एंजॉय करती होंगी? खवातीन ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो एक होता है ओमरेलो, क्या मुझे 3 नीचे कलर्स आ जाते हैं बालों के अंदर? अभी तो इसमें तो आप क्या इसका नाम है अपने हेयर में ओमरे स्टाइल, जैसे ओमरे आजकल फैशन में है। हाँ। तो आप लाइक ऊपर इसका बेस कलर इसका ब्राउन के साथ इसको आप ब्लेंड करते हुए नीचे आप उसकी कॉपर की फैमिली में आ जाए तो लेकिन लुक सो गुड। वेरी नाइस, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। और मर्द इसको फैंसी करते हैं यानी कि करवाना बड़े शौक से? बिल्कुल, आई थिंक वो ज़्यादा करते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस है। जिनमें कॉन्फिडेंस, और हो सकता है मे बी ऐसे सेक्टर के लोग करते हो जिनका मोस्टली मीडिया से ताल्लुक हो या कुछ, मगर ज़्यादातर जो वर्किंग लोग होंगे वो थोड़ा सा अवॉइड करते होंगे वो स्पाइक्स वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, वो अवॉइड करते हैं, वो ज़्यादातर डिसेंट ब्रॉन्ज ब्लैक चॉकलेट ब्राउन की कलर टोन में ज़्यादा जाते हैं हम लोग उनको लेके कि वो पर्सनैलिटी उनकी ग्रूम और इनहांस लगे। तो एक और बात बताएं कि इससे बाल नहीं डैमेज होते? नहीं, डैमेज तो होते हैं लेकिन क्या इसका मैं इसकी ट्रीटमेंट्स अपने हेयर पे बहुत लेता हूँ। हेयर के ट्रीटमेंट्स जो आजकल आए हैं शम्स, वो कितने हद तक इफेक्टिव होते हैं? अच्छे हैं, क्योंकि हमें बाज़ वक़्त मालूम नहीं होता है कि हमारी स्किन के अंदर ड्राई मतलब बालों के अंदर ड्राइनेस ड्राई वगैरह ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, अब ऑयली हैं या क्या, वो जो फिर इनकी फील्ड से रिलेटेड है कि ये ज़्यादा तो बालों में ये जो स्किन में आ जाएंगे ना तो आजकल तो इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं। हाँ। वॉल्यूम के, फिर ऑयलिंग स्किन जो स्कैल्प हमारे ऑयली होते हैं वो बालों की ग्रोथ रुक जाती है, ड्राइनेस से ग्रोथ रुक जाती है। एग्जैक्टली, उनके ट्रीटमेंट्स इतने अच्छे आए हुए हैं कि आप वो अपने ट्रीटमेंट्स लें। और लॉरियल कितने अच्छे आए हुए हैं, फिर ओलाप्लेक्स के बहुत अच्छे आए हुए हैं ट्रीटमेंट्स लाइक ग्रोथ के लिए, वॉल्यूम के लिए और डैमेज हेयर के खास तौर पे। नॉर्मली फीमेल्स के वो बहुत कलर जब करती हैं तो हेयर डाई से कलर रूट्स एंड्स जो हैं ना वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत रफ हो जाते हैं। तो उनको स्मूथ के लिए ना कि आप, क्योंकि नॉर्मली फीमेल्स का ये इशू होता है कि किस तरह में ब्लो ड्राई आयन या टोंकल्स बहुत सारे, आपको मालूम है आप तो ये बता रहे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन लोगों का इतना हेयर फॉल, अभी हेयर फॉल का इशू इतना बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, आई थिंक 70% हमारी खवातीन और मर्द हजरात इस वक्त हेयर फॉल को टेरिबली फेस कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि डाइट, एग्जैक्टली दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट इशू, जो वुमेन्स मीडिया से रिलेटिव हैं या जो वो तो मुझे लगता है ज़्यादा ब्लो जाए और वो डाइटिंग जो करती हैं ना, डाइटिंग से सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, सबसे पहले फर्स्ट असर पड़ता है आपके बालों पे। वो इसलिए क्योंकि हमारी खुराक बॉडी में एक डिसिप्लिन तरीके से जाती है और बाल हमारे एक नरिशमेंट मांगते हैं, हर जगह थोड़ी बहुत खुराक मिल जाती है बाल रह जाते हैं, इसलिए बालों का हेयर फॉल जो है ना फिर वो हार्मोनल चेंजेस फर्स्ट ऑफ
फॉल होना स्टार्ट होता है। हाँ, तो मुझे बात बताया कि हम भी ये प्रॉब्लम बहुत देख रहे हैं, तो आपने बताया कि जो ब्रांड्स अब लोकली भी मार्केट में ब्रांड्स मिल रहे होते हैं वो भी कैसे होता है, घर पे आप लगा ले और इसका ये फायदा होगा, और बहुत सारे लोग तो आजकल वो आजकल दही मेयोनीज और घर के सारी सब्जियां डालो और बालों में लगा लो, वो किस तरह से। सबसे अच्छे जब मेरे भी लंबे बाल थे, तो मैं ना बड़ा अम्मी ने एक चीज मुझे तो वो लंबे बाल में तो आप पूरी लड़की लगती होंगे। नहीं नहीं, वो उसमें के मेरी अम्मी ना मुझे बना के देती थी, एक दफा अम्मी ने बना के दिया था दही और सरसों का तेल और उसमें एग की जो जर्दी होती है वो उसको मिक्स करके ना वो मैंने बालों में लगाना शुरू किए थे। उसमें मेरे बालों में शाइनिंग भी आ गई थी और बालों में वो जो हेयर फॉयल था वो कम हो गया था। प्रोटीन है ना, अगर आप देखें अंडे की जर्दी जो है वो प्रोटीन है बेसिकली, तो आप अगर वो थोड़ा स्कैल्प को ड्राई कर देती मेबी कॉम्बिनेशन विद ऑयल एंड एक्चुअली मेरी ऑयली स्किन है, मेरी स्किन ऑयली भी है, आई थिंक भी मेरे हेयर स्किन भी जो आपका स्कैल्प भी ऑयली, नॉर्मल यही होता है जिनकी स्किन ऑयली होती है उनका स्कैल्प भी ऑयली होता है। तो मुझे ऑयल जी सेगमेंट से चलते जरा मेकअप की तरफ पे, आजकल मेकअप भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं हमारे पास, बाहर हर किस्म के ब्रांड्स आए हुए हैं और कॉपीज भी आ रही है ब्रांड्स की, विच इज़ समथिंग रियली टेरेबल, क्योंकि कॉपीज़ की वजह से लोगों को बड़े नुकसान हो रहे हैं। नेट के ऊपर जो है वो जाली लिपस्टिक्स बेची जा रही होती है ओरिजिनल नेम्स के साथ, जिसके अंदर ऐसे इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है जो आपके पूरे लिप को जला देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे इस वक्त यहाँ आ रही जो कि बड़ी ही डेंजरस होती है, तो इस तरह आप मुझे बात बताएं कि मेकअप आप लोग का मेकअप की क्या बुनियाद है, कहाँ से मंगवाते हैं, कैसा है? देखिए मैं जब खुद शूट्स पे जाता हूँ, थाईलैंड या टर्की या किसी भी कंट्री में मैं शूट्स के लिए जाता हूँ, कमर्शियल्स या मूवी, अभी माशाल्लाह बहुत मूवीज़ कर रहे हैं अभी हम, हाँ, इस पर भी हम आएंगे अभी मूवीज़ पर, थैंक यू। तो उसमें ये है कि जब मैं शूट्स के लिए बाहर आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ तो मैं अपने बजट अपना यहाँ से एक्स्ट्रा अपनी पॉकेट मनी में लेके जाता हूँ, कि फिर मैं वहाँ से कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर मेकअप वहाँ से परचेज करूँ। हाँ, दैट्स अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो हमारे यहाँ से ब्रांडेड मिल जाती हैं अच्छी, लेकिन सेंस के उसको यूज़ करना कैसे है, मेकअप को आप अप्लाई किया उसको, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारी एक बहुत सीनियर मॉडल होती थी विनी, यस विनीजा, द मोस्ट ब्यूटीफुल विनीजा का जब हम मेकअप करते थे, वो जब मेकअप रिमूव करते थे वो वाइप्स अपनी स्किन के करीब भी नहीं ध्यान देती, वो एलोवेरा होता है उसका आप अपने पीस काटा, उसके अंदर जो उसका गुदा सा होता है उसके आप उतारे, उसके साथ आप अपनी स्किन को क्लींस करें और वो आपकी स्किन को मेकअप आपको डैमेज भी नहीं करेगा और वो आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी रहती है, स्मूथ रहती है, आपके जो पोल्स ओपन हो जाते हैं वो पोल्स भी क्लोज रहते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। तो विनीजा ये करती थी, विनीजा ये करती थी और ये चीज़ मैंने विनीजा से सीखी थी। नहीं, मगर विनीजा इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट मॉडल्स, और मुझे आज तक जो है ना मुझे बहुत कम मॉडल्स पसंद होंगी जिनमें से ये उनमें से एक वाहिद मॉडल थी जो पढ़ी लिखी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लेडी है। आई विश उस तरह के लोग हम हमारी फील्ड के अंदर आते ही जाए। जो सीनियर मॉडल्स थी हमारी माशाल्लाह सबसे सभी पढ़ी लिखी थी, अच्छे बैकग्राउंड से exactly. थी, अच्छी, तो आजकल की भी लड़की अच्छे बैकग्राउंड से हैं, लेकिन ना कैरी करना, मुझे जो पर्सनली इशू है ना लड़कियों की हाइट, लाइक मॉडल हो तो खड़ी हो रैंप पे तो पता चले कि कुछ वाओ कुछ है, क्योंकि उनका रोल ही इस तरह का है ना, आई मीन उनके अटायर जैसे प्यारी हैं, अच्छी भी हैं, नेचर वाइज की भी अच्छी हैं, बैकग्राउंड्स भी अच्छे हैं उनके, और बस थोड़ी सी ना हाइट से बेचारी मार खा जाती हैं। चलिए, वो तो आई थिंक आई मीन ग्लोबली जब चेंज आ रहा है, ग्लोबली चेंज आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि अब मॉडल्स बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं होनी चाहिए, दे शुड हैव अ लिटिल वेट, क्योंकि मेंटोर होता है, हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया जो है ना वो उनको कॉपी करने के चक्कर में ना अपने लॉस में जा रही है, बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव अ फ्रेम लाइक, तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ दिखाई जाए जिसमें हल्का सा वेट होना चाहिए मॉडल्स पे, जो इंटरनेशनली अभी हम पढ़ रहे थे कि आ रहा है ट्रेंड चेंज हो रहा है। इंटरनेशनल में तो आप जाके देखें वो लोग तो बहुत स्किनी नहीं होती, नहीं वो यही कह रहे हैं कि अभी ट्रेंड चेंज किया जाए ताकि लोग मेंटोर बना लेते हैं ना एक चीज़ को देखते हुए, कहीं हमें इसके जैसा बनना है, अब हमारे पास भी आपके पास भी लोग आते हैं मेरे बाल इसके जैसे काट दें, इट्स नॉट पॉसिबल, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो ये इसमें आता है। तो एक और बात मुझे बात बताएं कि मेकअप की जहाँ हम बात कर रहे थे, जब इस समर सीजन आ रहा है इसमें कौन सा मेकअप बेस्ट है? आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना मेकअप का, बहुत नेचुरल डार्क लिपस्टिक्स एंड फ्लॉलेस स्किन एंड वेरी ग्लोइंग स्किन एंड फ्रेश चीक्स, रोजी चीक्स, तो हाई चीक बोन होनी चाहिए, और लिपस्टिक कौन सी कलर फैशन? लिपस्टिक्स में फैशन में आजकल है नियॉन कलर बहुत फैशन में, ऑरेंज, शॉकिंग पिंक, मजेंटा, फिर मरूनिश, डीप मरूनिश पर्पल कलर आजकल बहुत फैशन में है। दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। तो शम्स आपसे जरा बात करते हैं हम इसके बारे में कि
इसके अलावा आई मीन पेडिक्योर मैनीक्योर की स्पेशलिटी के अलावा आपने किसी और चीज़ के अंदर अपना रुझान रखा है? इससे पहले था, अब नहीं है। इससे पहले क्या चीज़? इससे पहले मैं कंप्यूटर फील्ड से। अच्छा, मतलब मैं इसमें मैं ब्यूटी फील्ड में जानना चाह रही हूँ कि ब्यूटी फील्ड में इसके अलावा भी नहीं था मेरा। इसमें आपका इसी के अंदर माहिर है। अब है कि आने के वाले वक्त में मैं फेशियल का सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से सीखूंगा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इतने गहराई के साथ एक इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे होते तो वहाँ फेशियल्स की तरफ भी अगर आते हैं तो आप स्किन को समझते हुए काम करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे फेशियल्स के बारे में बात बताएं कि जो हम फेशियल्स कहते हैं इतने सारे, किस हद तक सॉरी इम्प्रूवमेंट देते हैं स्किन पर? लेना असल में फेशियल जो हमारे खास कराची की मैं बात करूँगा आपसे कि आप 10 मिनट के लिए बाहर निकलें तो आपको एक अच्छे से सोप की सही से रगड़ाई की चेहरे की उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मंथ में या 3 वीक में आप एक फेशियल ले लेते हैं, आपके सारे जो स्किन के जितने भी वो हैं ब्लैक हेड्स हैं ये सारी चीज़ें ये क्लीन हो जाती है तो बेहतर है। तो नॉर्मली फेशियल लेने के बाद देखा जाता है कि लोगों को जो है ना वो एक्ने का प्रॉब्लम भी एग्रीवेट हो जाता है? नहीं, वो होता है, वो इसलिए होता है कि आप फेशियल जिससे करवा रहे हैं उसको मालूम नहीं होगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपको जो फेशियल आपका जो करने वाला है आप उसको मालूम होना चाहिए फेशियल होता क्या है, कौन सी स्किन पे। हर एक की स्किन सेम नहीं होती, राइट? हाँ जी। किसी की पतली होती है, किसी की मोटी, सेंसिटिव टाइप की, इस टाइप की स्किन होती है तो उस हिसाब से जो है ना ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो फेशियल एक्सपर्ट ही आपको बताएगा कि फेस के जब हम कंटूरिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हम जितनी सारी तस्वीरें देखते हैं वो तो बहुत एडिटेड होकर आ रही होती है लोगों की, तो उसमें कैसे आप कंटूर कर रहे होते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन फेशियल जो है हमारे लुक्स जो है वो चेंज हो जाते हैं? या फीचर्स मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मेकअप तो हर कोई कर लेता है, नो डाउट, माशाल्लाह सब बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और आई विश के और अच्छा काम करें और हमारा फैशन और आगे जाए। लेकिन मैं ज़रा मैं अपनी आपको थिंकिंग बताऊँगा कि मैं काम करता हूँ ज़रा फीचर्स पे। एग्जैक्टली, फीचर्स कैसे हाईलाइट होते हैं? फीचर्स हाईलाइट करता हूँ मैं, मुझे ये नहीं कि मेकअप किया और बस हो गया मेकअप आर्टिस्ट बन गया, नहीं, मेरा ज़रा फोकस होता है फीचर्स पे। जैसे आँख छोटी है उसको बड़ा दिखाना है, लेकिन बहुत ओवर भी ना हो कि मेकअप यहाँ यहाँ तक मैं ले जाऊँ और फिर आँख बड़ी लगे, नहीं, मैं अंडर आई ही काम करके आँख को एनहांस करता हूँ। उनको कैसे छोटा करते? लैशेस, आई लाइनर टेक्निक, और हाँ जी बिल्कुल, और कंटोरिंग से ये है कि कंटोरिंग बहुत किस्म की है, डार्क फाउंडेशन से भी की जाती है, जैसे आपने हाइलाइट्स की, जैसे आजकल स्ट्रोबिंग बहुत इन है कि आपने अगर मेरी स्किन टोन पे लगाई, मैंने 36 मैंने डिस्पोशन लगाई 38 एंड F1 टीवी स्टिक, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस क्वांटिटी पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कि नेचुरल भी लगे और खूबसूरत लगे। हाँ। ये नहीं कि वो नॉर्मली मेकअप आर्टिस्ट के हाथों में आता है कि फाउंडेशन थोड़ी सी हैवी लगाते हैं। हाँ, फाउंडेशन। वैसे भी हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक पर, कहीं ना जाएगा और हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हाँ जी एरिक, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं और थिक लेयर फाउंडेशन। नॉर्मली व्हेन आई स्टार्टेड माय शोज तो उस ज़माने में ना आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ थिक बेस ऑन द फेस एंड आई यूज्ड टू फील कि मेरा मुंह जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटा लगने लग गया था। फिर हमने उसको टेपर ऑफ करते हुए नाउ आई एम सिंपली अप्लाइंग वेरी लिटिल पाउडर दैट इज़ ऑन विद सनस्क्रीन एंड माय मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने मुझे माशाल्लाह 16 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 16 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैंने हर साल हर टाइम एक नया कुछ सीखा और नया एक्सपीरियंस किया। मैंने ये फील किया है कि ज़्यादा फाउंडेशन से एज आती है स्किन पे। पता है, मुझे लगता है लाइंस प्रोमिनेंट, अंडर आई प्रोमिनेंट, एवरीथिंग वाज प्रोमिनेंट। वही आगे ना एज नज़र आती है। हाँ। आपकी एज नहीं होगी, लेकिन वो जब आप स्क्रीन पे आती है ना तो वो एज लगती है, बड़े लग रहे थे। हाँ, exactly एज। ठीक है, और फिर दूसरा है कि लैशेज से भी आँख के एक्सप्रेशन छुप जाते हैं, आईज से भी एज नज़र आती है। हमारी नॉर्मली जब पार्टी मेकअप हम लोग करते होते हैं, सम क्लाइंट्स को बोलने के आप प्लीज़ मैं लैशेज नहीं लगाना चाह रहा, नहीं लैशेज लगा दें, आई वॉन्ट लैशेज, तो मना करने के बावजूद भी ना बोलते ही लैशेज लगा दें। लैशेज से आँख बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन आँख की ब्यूटी, आँख की जो होती है ना कशिश, वो छुप जाती है।
सी अ मेकअप आर्टिस्ट शम्स कैन एक्चुअली टेल दिस कि किस तरह से जो है ना वो छोटे जो आप मेकअप कर रहे होते हैं, आपने इतनी टॉप मोस्ट मॉडल्स के मेकअप किए जहाँ पे वनीजे का नाम लिया, वहाँ पे मुझे पता है इस वक्त जो आप टॉप मोस्ट मॉडल को करें सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देखी आपने? एक होता है ना कि एक सादा चेहरा होता है उसमें उसको एकदम से चेंज कर दिया। वैसे तो बहुत सारी हैं, सदफ कवल ओके फॉरन मेकअप में ट्रांसफॉर्म हो जाती, नेहा लाहौर की। अच्छा। फिर वो हैं आमना इलियास, शी इज़ वेरी फोटोजेनिक। हाँ, आई मीन उसमें मज़ा आता है ना कि बिफोर एंड आफ्टर की ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे मज़ा आता है उस पर काम करने का। मेरी फेवरेट मॉडल तो इरज एंड सुनीता मार्शल, हाँ ओल्ड वंस। हाँ, लेकिन आमना इलियास में ये कि क्रिएटिविटी, क्रिएटिव शूट्स मैंने उसके साथ बहुत किए हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, नहीं पता चलता कि आमना इलियास है। वाओ, दैट इज़ अमेजिंग। तो आजकल कौन से शूट्स चल रहे हैं बाहर मुल्क? जैसे आपने मेंशन किया कि मेरे को मूवीज़ भी ऑफर हैं, मतलब मूवीज़ के आप शूट्स कर रहे हैं, तो कौन से मूवीज़ के नाम तो नहीं भी मैं लीक आउट कर सकता क्योंकि नॉट परमिशन, लेकिन ये कि मगर आप रोल बता सकते हैं, अदाकारों के रोल होते हैं, मुख्तलिफ रोलों के लिए आपको मेकअप करना होता है। अब ड्रामों के जैसे लास्ट मैंने की थी, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लास्ट जैसे मैं करके आया हूँ मूवी, अभी ऑनियर भी हो चुकी थी माशाल्लाह, वेरी फेमस मूवी, हिट भी हुई है, जवानी फिर नहीं आनी। रियली आई लव महविश हयात, उसमें महविश हयात का मैंने किया, महविश हयात, सो हाय महविश हयात, थाईलैंड में जितना स्पेल था वो सारा हमने किया है। तो उस कैरेक्टर के हिसाब से आपने सारा उनको तैयार किया, उनका मेकअप, जैसे हम इन बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं कि बॉलीवुड का मेकअप जो होता है वो सटल होता है, लाइट होता है, तो हम क्या उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं? मुझे एक चीज़ ना बड़ी जो क्योंकि इंडियन वो थी, टीम थी सारी, हाँ, और मैं नबीला पे जॉब करता था, हाँ, क्योंकि नबीला के रेफरेंस से मुझे वो फिल्म मिली, नबीला के साथ मेरी सारी वो हुई, प्लानिंग हुई कि ऐसा इसका मेकअप ऐसा होगा, आयशा खान का ऐसा होगा, सरवत गिलानी थी उसका मेकअप ये होगा, बाल ये होंगे, महविश हयात का मुझे करना था। और उसमें जब फर्स्ट डे था ना मेरा, जब फर्स्ट डे था मेरा थाईलैंड में, तो हुमायूं सईद मेरे साथ खड़े हुए थे और इंडियन DOP, वो मुझे कहते हैं कि एरिक मुझे ना बहुत नेचुरल मेकअप चाहिए और फेस और बॉडी का इक्वल टोन होना चाहिए। नॉर्मली आपकी मूवीज़ में देखा है कि लड़की की बॉडी अलग टोन की हो रही होती है और फेस अलग हो रहा है, बहुत वाइट लग रहा था। अच्छा, वो लोग गोरा नहीं करते, इंडियंस अगर गोरा करते हैं तो वो अपनी लाइटिंग से करते हैं, वो लोग फाउंडेशन से गोरा नहीं करते, वो लोग सिर्फ फेस पे और बॉडी को वो इक्वल लेके चलते हैं। जब मैंने मेकअप उससे कि मैंने जब उसको कहा, मैंने कहा सर आप मुझे एक दफ़ा करने दें, अगर उसमें आपको कुछ कमी या कोई मिस्टेक हुई तो मुझे बताइएगा। आप यकीन करें जब महविश हयात को मैंने कंप्लीट करके हम लोग गए सेट पे, फर्स्ट शॉट था महविश का और उसने मुझे शाबाश दी DOP ने कि मतलब कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेकअप आपने की है, इतना सटल और इतना सटल। और महविश हयात ने माशाल्लाह वो है भी प्यारी, हाँ। लेकिन उस शॉट पे आप फिल्म की फर्स्ट एंट्री में उसका शॉट देख ले कि वो बहुत सारे लोगों ने जज नहीं किया कि महविश है। नहीं, मेरे ख्याल से महविश के लुक्स ऐसे, इवन आयशा खान, जहाँ मैं बात की आयशा खान की, मैं समझती हूँ आयशा खान मेकअप के साथ हो या मेकअप के बगैर, शी लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। उस पर भी आपको काम करने में बहुत अच्छा लगता होगा, आई मीन शी हैज गॉट वेरी नाइस फीचर्स, बहुत स्वीट है वो। उसके साथ आपने बताया सोहा जो अभी नहीं आई हैं एक्ट्रेस है हमारे पास, तो उनका मेकअप आपने कैसे किया? उनका भी हम लोगों ने टैन पे रखा। महविश हयात को भी मैंने बहुत टैन रखा, महविश को तो मैं सुहाई से भी ज़्यादा टैन रखा क्योंकि उनकी लाइटिंग्स वगैरह, लाइटिंग्स ऐसे होती हैं, लेकिन आप देखें मूवीज़ में कितनी दोनों स्टनिंग लगी हैं, माशाल्लाह सभी अच्छी लगी हैं, लेकिन आप दोनों देख लें कि रोल पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक महविश का रोल बहुत एक्साइटिंग था और उस तरह का था, ग्लैमरस था, एग्जैक्टली। तो शम्स, तुझे बात बताएं कि एरिक तो इतनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इतना घूम फिर रहे हैं, आपको ऐसा चांस मिलता है? आई मीन आपका तो फिर एक ही जगह में ट्रीटमेंट प्लान पर आ जाते हैं, बस हमारे पास यहीं इतना काम है, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, आई थिंक मेकअप इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आप एकदम फीचर्स ही चेंज करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है मेकअप करने के बाद खुद सोच रहे थे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्क आई हैव डन माय सेल्फ। अभी जैसे हम लोग अनकरीब हेयर के शूट्स करने वाले हैं लॉरियल के साथ, जिसमें
कोशिश में है कि हम लोग अच्छी सुपर मॉडल्स के साथ काम करें। हाँ, हर तरह के आप लोगों के साथ जो है वो आपको शायद कुछ उसमें अवार्ड वगैरह भी मिलने वाला है। जी हाँ, चलें, दैट इज़ वेरी गुड। माशाल्लाह, आई मीन कंपटीशन में आते हैं तो जीतना बहुत हो गया है। कंपटीशन तो अब बहुत हो गया, पहले जो थे इतना कंपटीशन नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब तो माशाल्लाह इंस्टाग्राम से, नेट से इतनी अवेयरनेस हो गई है कि आपको हर चीज़ आप कोई भी आप उससे उठा लें, आपको इंटरनेट से मिल जाएगी हर चीज़ आप उठा लें। और वैसे अच्छा मुझे बात बताओ, आप बताए थे स्कूलिंग के बारे में, आप लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आप ग्रूमिंग करवाना चाहते हैं लड़कियों को, और जो भी आपके पास है जिनकी शादियां हो रही हो, कोई सेल्फ ग्रूमिंग सीखना चाहते हो, तो उसका कितने दिन का पैसेज है और कितने जल्दी हम वाकई में मेकअप सीखते हैं? देखिए, जो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग है वो तो हम लोग 1 वीक की क्लास दे रहे हैं, उसमें सिर्फ आप अपने पे ही हम उनको बताते हैं कि आप अपने घर में या कि डिनर पे जा रही हैं, घर में कोई ओकेजन है, आप सिंपली ऐसे तैयार हो सकती हैं। बेसिक चीज़ें हम उनको बताते हैं। ओके। जैसे स्किन ट्रीटमेंट, सॉफ्ट मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर, ये पर्सनल ग्रूमिंग में। पर्सनल ग्रूमिंग और जो प्रोफेशनली ग्रूमिंग है वो है, यानी कि टीचिंग अलग है, वो जो ब्यूटी सेगमेंट की टीचिंग जी है। वो 6 मंथ की होती है। वो उसमें प्रॉपर होता है फैशन, ब्राइडल, प्रॉपर A to Z। ओके, तो उसमें सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से सिखा रहे हैं। तो आजकल ब्राइडल क्या चल रहा है, ब्राइडल में क्या चेंजेस आए हुए हैं? आजकल ब्राइडल ब्राइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं मांगती है या बहुत मेकअप हो रहा है? नहीं, ब्राइड्स का तो आप मैं तो ये समझता हूँ कि ब्राइड को ब्राइड लगना चाहिए। लेकिन ब्राइड को ब्राइड लगना चाहिए, लेकिन ब्राइड को वो भी नहीं लगे कि लड़की अब 20 साल की है और वो लग 40 साल की रही है, ऐसा नहीं। गोला गंडा टाइप, गोला गंडा नहीं लगना चाहिए। वैसे एक टाइम ऐसा था जिसमें जो थी ना वो इतनी कॉम्बिनेशन में सिल्वरी आई, उसमें दिखता था कि वो दुल्हन है। हाँ, वही दुल्हन है जिसपे इतना काम हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन बताऊँ एक चीज, मैं आपको एक चीज बताऊँ, सॉरी टू से, कोई माइंड नहीं कीजिएगा, हमारी वुमेन्स को भी ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा सा अच्छी खासी गोरी होगी। हाँ, नहीं प्लीज गोरा कीजिएगा, आप स्किन आपकी गोरी है भाई, नहीं और गोरा कर दें। आपका क्या ख्याल है कि वैसे जो स्किन गोरी होती है उसे लाइटर से इस्तेमाल करना चाहिए? 1 टोन लाइटर स्किन अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि जब आप 1 आवर में स्किन आपकी मेकअप को पीना शुरू करती है और वो बैलेंस हो जाता है, वो नहीं लगता कि ये डार्क है 1 टोन। आप अपने हैंड्स के मेकअप को 1 टोन, फेस को लाइट रखें। That's very important. तो यहाँ पे ज्यादातर यही होता है कि गोरा, हमारा कहते हैं कि 2 टोन क्या 3 टोन ज्यादा होना चाहिए, गोरा लगना चाहिए। और फिर डार्क मांगती हैं कि लिपस्टिक भी डार्क हो, आईज भी डार्क हो और कंटूरिंग दिखे कि कुछ हुआ हुआ है मुंह पे, काला काला सारा यहाँ से दिखावा। हाँ, होना चाहिए। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जितनी कंटूरिंग कम होती है स्किन उतनी फ्रेश लगती है और यंग लुक आता है, फ्रेश लुक आता है, आप अपनी एज के लगते हैं। तो अब आजकल डे लुक का क्या फैशन है, यू नो लाइक डे लुक के अंदर आपको कैसा होना चाहिए, आई मीन डे मेकअप कैसा होना चाहिए? डे मेकअप में तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नो मेकअप होना चाहिए। नो मेकअप होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट लिक्विड बेस, हल्की हल्की कंसील करें। अगर आपके पोल्स ओपन है, हल्के से बस पोल्स भी अगर आपके ओपन नजर आ भी रहे हैं, दैट्स अ मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि डे में भी हमारे कुछ वुमेन्स होते हैं कि लगा होता है कि मेकअप हुआ हुआ है। वैसे मैं ये कहती हूँ कि जितना कम मेकअप का इस्तेमाल किया जाए उतना आपकी स्किन को टाइम मिलता है, जो है मैं समझती हूँ ब्रीथ करने का भी। तो यहाँ पे थोड़ा, मगर एक ये चीज़ है कि एक पुराना ट्रेंड था जहाँ पे बोलते लेयर्स ऑफ थिंग्स ऑन द स्किन गिव्स यू लॉट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन एज वेल। तो जो हाउस वाइफ्स है घर के अंदर है, मेरा तो यही मशवरा उन सबको देती हूँ कि कम से कम इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए एंड केकी स्टफ़ को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। आप यकीन करें, मेरी मिसेज, मेरी जो मिसेज नई नई आई थी, तो वो तो आपकी मिसेज ने क्या बोला, आपकी ये बालों का रंग देख नहीं, शी इज वेरी कोऑपरेटिव। सीजन जो चल रहा है फालसा चल रहा है, तो कलर मैच है। अब नेक्स्ट मेरे ख्याल है मैंगो होगा। हां, नेक्स्ट मैंगो होगा होपफुली। आई मीन आधे येलोइश एंड ग्रीनिश नहीं, वो करके छोड़ चुके हैं, वो कर दिए। तो दैट्स नॉट बैड, इट्स अ सीजन कोड, वेल सेड शम्स, वेल सेड, आई एम रियली हैप्पी। आपने सीजन के हिसाब से अपने बाल नहीं चेंज किए? नहीं, मैं इसी में खुश हूँ। हाँ, ट्रेंड आजकल आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटी सेगमेंट के लोग अपने आप को जितना ग्रूम्ड और जितना ट्रेंडी रखते हैं, वहाँ उनसे ही लोग इंस्पायर होकर आ रहे होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस होती है, आपकी पर्सनैलिटी को देख के क्लाइंट्स आते हैं। एग्जैक्टली। अगर मैं अपने पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ या करूँगा, आपको या आपको या आपको इतने पीपल में से किसी 10 पीपल्स को अट्रैक्ट करेगी ना, तो वो मेरी पर्सनैलिटी को देख के ज़रूर आएंगे।
दैट्स वेरी ट्रू कि वो पर्सनैलिटी देख कर आते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हर तरीके से अपना ख्याल रखें कि जिस भी शोबे में आप हैं। यकीन करें, मैं तो अपने स्टाफ को कहता हूँ कि आप अपने आप को नीट और क्लीन और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं अपनी स्टाइलिंग और अपना फेस आप क्लीन रखें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ हेयर कलर की बात हम कर रहे थे और जहाँ मेकअप के साथ आ रहा था, तो वैसे ट्रेंड के हिसाब से समर में हेयर कलर कौन सा इन है? इट शुड बी अ डार्कर, इट शुड बी अ लाइटर, लाइटर इन द सेंस के टूवर्ड्स ब्लॉन्ड्स एंड ब्रॉन्ज एंड स्टफ एंड डार्कर टूवर्ड्स लाइक दीज टोन्स। एक्चुअली हम लोगों की, हम लोग एशियन टोन है ना, एशियन टोन में हमारी स्किन टोन के अंदर येलो टोन होती है, गोल्ड टोन। हम लोगों के स्किन टोन पे रस्ट, ऑरेंज, गोल्ड, ये टोन हम लोगों की स्किन पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पीच, ये टोन हम लोगों की स्किन टोन पे। आप मेकअप में भी देख लें, ब्राइड हमारी अक्सर देख लें आप, हम लोग जब ब्राइडल शूट्स कर रहे होते हैं तो डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड भी होते हैं, मरून भी होते हैं, सी ग्रीन भी होते हैं, स्काई ब्लू भी होते हैं, कोई समटाइम स्किन गोल्ड कलर भी होता है उसमें, लेकिन वो ब्राइड सब लुक्स में से वो स्किन गोल्ड में ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। दैट इज वेरी ट्रू। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि वो हमारे कलर टोन को एनहांस करता है। दैट्स वेरी राइट। बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं कि जो हमारे स्किन टोन को दबा देते हैं, जैसे सिल्वर है, नियॉन कलर्स हैं, वो हमारे स्किन टोन को डार्क करते हैं। उस पर हम लोग थोड़ी सी वन टोन फाउंडेशन लाइट लगाते हैं, गोरी लगाते हैं, कि वो जब स्किन कपड़ों का कलर चेहरे पे आएगा तो स्किन डार्क ना लगे, नेचुरल लगे पर डार्क ना लगे। तो सबसे खूबसूरत तरीन मॉडल या एक्ट्रेस जिसको आपने अब तक तैयार किया है वो कौन है आपकी नज़र में? शम साहब से भी यही सवाल जानूंगी। फिल्म एक्ट्रेस या ड्रामा एक्ट्रेस मॉडल में? किसी में भी, किसी में भी द बेस्ट दैट यू लाइक। फिल्म एक्ट्रेस में आई थिंक मीरा। मीरा, ओफ, उस जैसी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने उस जैसी हसीन वुमेंस नहीं देखी। नहीं, इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है मेकअप में, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कि मतलब कि मैं कहता हूँ कि मेकअप बना ही मीरा के लिए। और आपका क्या ख्याल है इस तरफ शम्स? नहीं, इतना ध्यान नहीं देता हूं, इतना ध्यान नहीं देते हैं। आपका शोभा थोड़ा सा मेरा जो है चेहरे पे नहीं है, मैं पैरों पे आ जाता हूं। चलिए थोड़ा सा हम ब्यूटी सेगमेंट से, अब हमने काफी सारे लोगों को काफी नॉलेज मिल गया। अब थोड़ा लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि शम्स और एरिक की लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है। तो शम्स, आपकी क्या लाइक्स है? आपको कौन सी मूवीज पसंद है, कौन सी अदाकाराएं पसंद है? पहले तो मूवीज बताएं, किस तरह की मूवीज पसंद है? मूवीज इंडियन, मतलब सलमान खान टाइप। सलमान खान, आई मीन सलमान खान इज माय फेवरेट ऑलवेज। तो कौन सी मूवीज ऐसी पसंद है? सलमान खान भी पसंद है तो किस रोल में पसंद है? सलमान खान ज्यादातर मुझे अच्छा लगता है पुलिस वाला, पुलिस वाला। आई थिंक एग्रेसिव। और एरिक, आपका क्या ख्याल है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन द मोस्ट ग्रेसफुल मैन। अमिताभ एंड आमिर खान। आमिर खान, आई थिंक ये दो एक्टर्स वाहिद ऐसे इंक्लूडिंग सलमान खान जो बहुत स्पेसिफिक मूवीज करते हैं मगर बहुत ही बेहतरीन रोल निभाते हैं। साल में कम काम करें मगर अच्छा काम करें, ये वो है। अल्लाह, आमिर खान और अमिताभ बच्चन। तो मुझे बात बताओ एरिक, कभी अगर मौका मिले ऐसे इंडियन एक्ट्रेसेस को तैयार करने का तो किसको करोगे? नहीं, मुझे मौका मिला है, मैंने किया भी है। थाईलैंड में थे हम लोग, कमर्शियल कर रहे थे, जैज का, नरगिस फखरी का किया है मैंने। आई लव हर, शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग इन वन ऑफ दीज न्यू मूवीज। ब्यूटीफुल, हाउ डज शी लुक लाइक? गॉर्जियस है ना, शी इज टॉल, वेरी फेयर, स्वीट पर्सन, वेरी प्रोफेशनल। Very nice. उसके फीचर्स वगैरह और सब हाईलाइट करने के, बहुत लेस मेकअप, वो लोग ज़्यादा मेकअप मांगती नहीं, ज़्यादा बहुत कम मेकअप, वो बिल्कुल न्यूड मेकअप, टेबल के लगे ना के मेकअप है, बहुत कम मेकअप वो लोग यूज़ करते हैं। चलिए, दैट्स लवली, थैंक यू सो मच शम्स एंड एरिक कि आप दोनों ने अपना प्रेशियस टाइम दिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप, ब्यूटी के हवाले से, समर के हवाले से, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए? मैं पेडिक्योर के हिसाब से बोलूँगा तो जो नॉर्मली हम पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं, राइट, तो पांच वक्त वजू भी करते हैं, तो हम जल्दी जल्दी में ये होता है कि पैरों को हम गीला छोड़ देते हैं, उससे एक स्किन की लेयर उतरना शुरू हो जाती है और वो बढ़ बढ़ के डेड स्किन की एक मोटी सी तह बन जाती है। दैट्स राइट। तो आप कोशिश करें उसको प्रॉपर तरीके से बात लेते हैं, अब जो भी पैर धोते हैं उसको प्रॉपर तरीके से उसको ड्राई करें, देन उसके बाद अपना काम करें, उससे आपकी स्किन काफ़ी सेफ रहती है। चलिए, थैंक यू। एंड एरिक, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हाउस वाइफ से यही बोलूँगा कि बस ज़्यादा गोरे पे ना जाएं, नेचुरल पे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और अपने आप को ग्रूम करें, बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। टिल देन, डॉक्टर तानिया साइंस ऑफ। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज़।